भोजपुरी गायिका और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह यूं तो अपनी अदाओं से चर्चा बटोरती रहती है, वहीं इन दिनों भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल उनका नया गाना अखियां घायल करी रिलीज हो गया है। रिलीज के साथ ही यह गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर यह गाना धूम मचा रहा है। बता दें कि अक्षरा एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगर भी हैं। अभिनेत्री की आवाज़ ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। अक्षरा सिंह का यह गाना उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज़ किया गया है। गाना यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट का हिस्सा बन चुका है। एक और जहां अक्षरा सिंह अपनी अदाओं से लोगों को घायल करती रहती हैं, तो वहीं नए नए पोस्ट के जरिए भी वो अपने फैंस के बीच रहा करती हैं, अपने फैंस से बातचीत करती रहती हैं लाइव आकर, तो कभी अपने वीडियोस रिलीज करके। कुछ समय पहले ही अक्षरा सिंह ने केदारनाथ पहुंचकर भी एक लाइव वीडियो अपने इंस्टाग्राम से और साथ ही अपने पेज से शेयर किया था, जिसके बाद उस वीडियो पर भी उनके फैंस का खूब सारा प्यार देखने को मिला। एक और जहां अक्षरा सिंह का ये नया गाना आया है अखियां घायल करी रे, तो अब देखना ये होगा कि इस गाने को लेकर के फैंस इसे कितना प्यार देते हैं। बता दें अपने इस नए गाने में अक्षरा सिंह अपने प्रेमी की अदाओं को बखान कर रही है। अक्षरा का ये रोमांटिक गाना उनके फैंस और भोजपुरी म्यूजिक लवर्स का खास पसंद है। इस गाने में अक्षरा की सुरीली आवाज़ लोगों के दिल तक पहुंच रही है, तो वहीं इसका म्यूजिक वीडियो भी बेहद आकर्षक और मनोरंजक है। गाना अखियां घायल करी रे अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में रिलीज हुआ, जो रिलीज के बाद से वायरल होना शुरू हो चुका है। इस गाने में एक बार फिर से गीतकार मनोज मतलबी और संगीतकार घुंडू के साथ अक्षरा सिंह की केमिस्ट्री लोगों को देखने को मिलने वाली है। बता दें कि इन तीनों ने मिलकर एक से एक बढ़कर कई गाने दिए हैं और इसी सिलसिले में एक नया गाना लोगों के बीच रखा है। गाने को महज 3 घंटों में 70,000 से ज़्यादा बार देखा गया, तो वहीं अब ये गाना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होने लगा है। इस गाने को लेकर अक्षरा सिंह ने कहा था कि ये गाना रोमांटिक है और यूथ को बेहद पसंद आने वाला है। कलाकार के नाते मैं हर तरह के गाने लेकर गाती हूँ और मनोरंजन करने के विश्वास से रखती हूँ। अक्षरा ने कहा था कि भोजपुरी म्यूजिक आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कलाकारों के साथ श्रोताओं का भी योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव।